दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आज भिड़ने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से, और एक तरफ होंगे कैप्टन कूल तो दूसरी तरफ होंगे कैप्टन फायर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी की। तो दोस्तों आरसीबी की तरफ से यहाँ तीन बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, जिसके की बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है आरसीबी फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी आरसीबी बड़े फैंस और वेट कर रहे थे आईपीएल 2020 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक, और आईपीएल जोड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो दोस्तों बात करें सबसे पहली खबर की, तो दोस्तों ये खबर निकल कर सामने आ रही है एडम जंपा की तरफ से। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि एडम जंपा को एक इंजरी हुई थी, और रिपोर्ट्स तो ये भी निकल कर सामने आ रही थी कि एडम जंपा यहां पूरे आईपीएल 2020 के सीजन से बाहर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों एडम जंपा को यहाँ आइस बॉल में रखा गया था, और जब उन्हें उस आइस बॉल से निकाला गया था तो पता चला था कि जो एडम जंपा की जो इंजरी है वो दोस्तों इतनी बड़ी इंजरी नहीं है, और दोस्तों एडम जंपा यहाँ आईपीएल 2020 को छोड़कर कहीं भी जाने वाले नहीं है, और वो आरसीबी के साथ ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों एडम जंपा के लिए एक लाइक तो बनता है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी इस वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करूँ दूसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है आरसीबी की एक इमरजेंसी मीटिंग को लेकर। तो दोस्तों माइक हसन का कहना है कि हमने डेल स्टेन को 2 करोड़ रुपए दिए थे क्योंकि हमें आशा थी कि वो आरसीबी के लिए चल पाएंगे, पर दोस्तों उनका प्रदर्शन किसी भी मैच में इतना अच्छा नहीं रहा है। तो दोस्तों मीटिंग के बाद से यही अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि इसरू उड़ाना की जगह डेल स्टेन को एक बार फिर से मौका देना चाहती है आरसीबी। दोस्तों माना पिछले मैच में इसरू उड़ाना ने रन लुटाए थे, पर दोस्तों उन्होंने अभी तक काफी बड़े बड़े विकेट्स भी लिए हैं और अपना पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसरू उड़ाना, और उनको मेरे हिसाब से तो रहना ही चाहिए और उनको थोड़े और मौके देने चाहिए, और अगर वो नहीं चल पाते हैं तो आरसीबी के पास डेल स्टेन एज ए बैकअप तो है ही। तो दोस्तों इस पर आपके क्या ओपिनियन है कि डेल स्टेन या फिर इसरू उड़ाना, आपकी राय में कौन बढ़िया है? नीचे कमेंट करके हमसे अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों बात करो तीसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है क्रिस मॉरिस की तरफ से। तो दोस्तों क्रिस मॉरिस की तरफ से ये अपडेट सामने आ रही है कि अब क्रिस मॉरिस पूरी तरह से फिट हैं और 100% अवेलेबल रहने वाले हैं आरसीबी के लिए। और दोस्तों रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि इसरू उड़ाना को बाहर बिठाकर क्रिस मॉरिस को यहां मौका दिया जाएगा, और दोस्तों यहां पर मोइन अली की जगह पर क्रिस मॉरिस की वापसी नहीं होने वाली है। तो गाइस ये काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और दोस्तों बात यहां डेल स्टेन की चल रही थी, पर यहां इसरू उड़ाना की जगह पर आएंगे क्रिस मॉरिस। और दोस्तों अगर क्रिस मॉरिस आते हैं तो यहां डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर पाएंगे, पावर प्ले में भी बॉलिंग कर पाएंगे, और वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए करते भी थे पावर प्ले में गेंदबाजी, और दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर क्रिस मॉरिस यहाँ इसरू उड़ाने की जगह पर आते भी हैं तो काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे आरसीबी के लिए। और दोस्तों मोइन अली अच्छे गेंदबाज हैं, बैट्समैन है, स्पिनर हैं, क्रिस मॉरिस भी यहाँ काफी अच्छे गेंदबाज हैं और बैट्समैन भी हैं। तो दोस्तों यहाँ आरसीबी के पास काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इसरू उड़ाने की जगह पर क्रिस मॉरिस को खिलाना सही रहेगा कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो एक काफी सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि क्रिस मॉरिस यहाँ काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, यहाँ वो बॉलिंग के साथ साथ काफी अच्छी बैटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के मुकाबले में हमें देखने को मिल जाएगा कि क्रिस मॉरिस यहाँ मोइन अली की जगह पर आते हैं या फिर इसरू उड़ाना की जगह पर। तो दोस्तों इसका तो जवाब आज रात को ही मिल पाएगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आज की कौन सी टीम को जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, आरसीबी या फिर चेन्नई सुपर किंग्स। हमसे अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये थी आरसीबी की तरफ से तीन बहुत बड़ी खुशखबरियां, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप भी आरसीबी और आईपीएल के बड़े फैंस तो हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।